नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव और वक्त हो गया है अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों का। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दो दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंची। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक में होंगी शामिल। आतंकी मसूद अजहर का उठा सकती है मुद्दा। इक्वाडोर में 7.8 तीव्रता का भूकंप, 246 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा जख्मी। प्रशासन ने जारी की सुनामी की चेतावनी। अफगानिस्तान में बाढ़ का कहर, 23 लोगों की मौत, कई लोग लापता। काबुल सहित अफगानिस्तान के कई हिस्से प्रभावित। दक्षिण कोरिया की मीडिया का खुलासा, उत्तर कोरिया की अंतिम चरण में है 5वें परमाणु परीक्षण की तैयारी। परमाणु परीक्षण स्थल पर गतिविधियों में देखी गई तेजी। और 8 साल बाद ईरान में उतरा फ्रांस का विमान, विमान में सरकारी मंत्री और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल सवार। ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ 2008 में लगा था एयरलाइन पर प्रतिबंध। ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। खबरें और भी हैं, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।